स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है ये रिलेटेड है हमारे है, जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस फिनिश को लेके। जो हमारा चैप्टर है वो है सरफेस टेक्सचर। इस चैप्टर में हम बेसिकली कुछ चीज़ें सीखेंगे, कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, और वो चीज़ें हमारी हैं, ध्यान दीजिएगा, सरफेस टेक्सचर के बारे में हम लोगों को देखना है, और सरफेस टेक्सचर अगर हम देखें, जो हमारा मेथड है कैसे हम डिज़ाइन करते हैं सरफेस फिनिश को, उसकी बात कर लें तो सरफेस फिनिश को डिज़ाइन करने का जो तरीका हमारा है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो जो हमारा IS स्टैंडर्ड है, एज पर IS इंडियन स्टैंडर्ड, IS का मतलब यहाँ पे है 696। कैसे डिज़ाइन किया जाता है ये देखेंगे, जो एक हमारा डायग्राम के साथ हम बता रहे हैं आपको। इस तरीके से बनाया जाता है, यहाँ पे आपका डायरेक्शन ऑफ लेज रहेगा, सैम्पलिंग लेंथ की वैल्यू यहाँ दी जाएगी, यहाँ पे मेथड रहेगा, मशीनिंग मेथड हो जाएगा, रफनेस डेटा, RA यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और मशीनिंग अलाउंस सबसे पहले होगा। अगर इसका एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल के रूप में ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा आपको। देखिए, अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, इस डायग्राम को ध्यान से देखने में आपको पता लगेगा कि ये जो डायग्राम हमारा है, इस डायग्राम में कुछ चीजें आप इजीली इसको देख के समझ सकते हो। जैसे जो पहला वाला हमारा है उसमें लिखा हुआ है, कॉर्नर पर देखिएगा, सबसे पहले आपका दिखा हुआ है रफनेस वैल्यू RA, ये माइक्रोमीटर में होती है। उसके बाद
आपको मशीनिंग अलाउंस का प्लेस मिल रहा है, डायरेक्शन ऑफ ले का मिल रहा है, सैम्पलिंग लेंथ है और मशीनिंग मेथड है। यानी इसमें कुल पांच चीज़ें होती हैं। तो जो रफनेस वैल्यू है ये हमारी, इसको हम आर ए वैल्यू भी कहते हैं, ये एमएम में होती है, सॉरी माइक्रोमीटर में होती है। दूसरी जो हमारी अलावेंस है वो एमएम में होगा, अलावेंस जो कि दिया जा रहा है उसको हम एमएम में देंगे। और अलावेंस के बाद हम सैम्पलिंग लेंथ हमारा जो है लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको थर्ड नंबर पे हमारा सैम्पलिंग लेंथ है, जिसको आप इंस्ट्रूमेंट कट ऑफ लेंथ कहते हैं। ये सैम्पलिंग लेंथ हमारा बेसिकली, अगर हम एक ही चीज़ों को जानने चाहें कि सैम्पलिंग लेंथ क्या होता है, तो सैम्पलिंग लेंथ बेसिकली हमारा होता है जिस लेंथ को आप कंसीडर करते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग लेंथ को हम कंसीडर करते हैं उसके लिए, वैल्यू को निकालने के लिए। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कि तो ये कहता है इट इज़ द लेंथ ऑफ द प्रोफाइल नेसेसरी फॉर इवेल्युएशन ऑफ द इररेगुलरिटीज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। यानी सैम्पलिंग लेंथ वह लेंथ होती है जिसमें आपको किसी भी प्रोफाइल का, जिसको हमें कंसिडरेशन करना है, जिसकी स्टडी करनी है, अगर उसमें जो भी हमारी इररेगुलरिटीज यानी अनियमितताएँ सरफेस पे हैं, तो जिस भी एरिया के लिए हम, जैसे मान लीजिए अगर हमने एक इस तरीके का एक सरफेस लिया है, ये हमारा एक सरफेस है, और हमने इसमें से एक छोटा सा एरिया कंसिडरेशन में लिया है, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सैम्पलिंग लेंथ हो जाएगा। अगर हम इस लंबाई की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये लेंथ बेसिकली हम जूम करके माइक्रोस्कोप से लेंगे। जूम करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि अमूमन इसकी जो आपकी लंबाई होती है, जो भी हम सैम्पलिंग लेंथ लेते हैं वो इतना कम लेते हैं कि अगर आप उसको जूम नहीं करोगे तो यू विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द थिंग्स, ओके। एंड इफ वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द थिंग्स वी कैन नॉट डील विथ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन व्हाट वी आर giving on this problem. So we have to find out the what type of this roughness, it is a primary type or secondary type. So for the complete information about the roughness, we have to first decide the sampling length, okay. After the decision of about sampling length, we use the microscope to study this particular area or this particular length. And what we are trying to study, we are just focusing on the pattern, type of pattern or direction of lays, okay. What is the our point of study is direction of this. We are focused here on the direction of this. Other things which are considered during the study is the roughness value RA. Machining allowance is also a property which we are going to consider in this study. And we will also consider the method by which this sample or this area has been generated. In short, we can say that we also consider the machining allowance or machining method for the generation of this area. So as for IS 696 standard, and this standard says about the conventional method for design surface thickness, and we just design the surface thickness in this matter. Here we can see that 1.2 represents machining allowance, which data this 1.2 is related to machining allowance, and it is in mm, okay.
6.3 is corresponding to the roughness value RA, and this value is in micrometer या microns, while the term milled represents or shows the machining method milling, and it shows that the sample or part has been machined by a milling machine. The 2.5 is the sampling length, 2.5 is also the sampling length, and parallel, we have two equal lines parallel, and it shows the lace parallel to the boundary line of the nominal surface. Lace parallel to the nominal surface. So this is like brief introduction about machining. It is a conventional method for designing surface finish. Now we have as per IS standard 3973, the surface roughness on drawing is represented with the inverted triangle, and for different RA's value we have different triangles. So let's discuss about it. चलिए सो देखते हैं कैसे बनाया जाता है. As per IS 3973, ये जो हमारा नियम है IS का, ये किस किस चीजों के बीच में रेडिएशन देता है? ये देता है कि जो हमारा सरफेस रफनेस है, सरफेस रफनेस जो है, सरफेस रफनेस ऑन ड्रॉइंग सीट, ठीक है. तो ड्रॉइंग सीट पे आप सरफेस रफनेस को कैसे दिखाते हो, उस चीज के लिए इसको रखा गया है. तो हमारा एक तरफ सिंबल है, सिंबल है, और दूसरी तरफ हमारा आर ए वैल्यू है. माइक्रोमीटर में अगर इस तरीके का सिंबल यूज किया गया है तो जो हमारी आर ए वैल्यू है वो हो जाएगी above 25 micron. दूसरा है सिंगल इन्वर्टेड ट्रायंगल, अगर ये है तो है 8 to 25 micron. अगर डबल इन्वर्टेड ट्रायंगल है डबल इन्वर्टेड ट्रायंगल 1.6 to 8, ट्रिपल इन्वर्टेड ट्रायंगल है 0.25 to 1.6, एंड फोर टाइप इन्वर्टेड ट्रायंगल्स अगर हैं तो ये हो जाएगा less than 0.25. तो हमारा एक चार्ट ये बन गया, प्रिपेयर हो जाता है इस तरीके से. और इस चार्ट को अगर आप देख को समझना चाहें इसे, तो हम देख सकते हैं कि अगर आपका जो फर्स्ट सिंबल है वो आपका कहीं ना कहीं वो है इसके लिए, वो है अगर आपकी रफनेस वैल्यू आपकी आती है
25 माइक्रोन से ऊपर आ रही है। तरीके से अगर आपका एक सिंगल ट्रायंगल है तो जो हमारी वैल्यू होगी, जो आरए का रेंज होगा, वो हमारा हो जाएगा, देखिएगा एक मिनट, जो हमारा आरए का रेंज हो जाएगा वो है 8 से 25 माइक्रोमीटर के बीच में है। अगर हम डबल इन्वर्टेड ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो डबल इन्वर्टेड ट्रायंगल के केस में जो हमारी आरए वैल्यू आ रही है वो हो जाएगी 16 से 1.6 से 8 के बीच, जबकि ट्रिपल इन्वर्टेड ट्रायंगल अगर है तो वहाँ पे 0.25 से 1.6 माइक्रोन के बीच में हो जाएगी, और अगर 4 इन्वर्टेड ट्रायंगल्स हैं तो वैल्यू और घट जाएगी, यानी जो 0.025 है, ये जो वैल्यू है, तो ये 0.25 से 1.6 इस तरीके से यहाँ पे ये एक टेबल बन के आती है। अगर हम बात करें कि सरफेस फिनिश का जो मेजरमेंट होता है ये कैसे किया जाता है, तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। पहला है मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश, सरफेस टेक्सचर। द मेथड यूज्ड फॉर मेजरिंग द सरफेस फिनिश कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। द फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन बाय कंपैरिजन एंड सेकेंड वन इज द डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मेथड। द फर्स्ट वन इंस्पेक्शन बाय कंपैरिजन मेथड कंसिस्ट ऑफ वेरियस टेक्निक्स। इन दिस मेथड द सरफेस टेक्सचर इज असेस्ड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द सरफेस। इन दिस वी मेनली फोकस ऑन द टेक्सचर ऑफ द सरफेस। These are the method of qualitative analysis of the surface texture. The texture of the surface to be tested is compared with that of a specimen of known roughness value RA, and it is finished by similar machining process. In general, we can see that for each machining operation, we have different specimens by which we use to check the roughness value of different surfaces. We used to make the हम क्या करते हैं कि इसमें हम हमारा जो सरफेस है जिसको हमें मेजर करना है, उसको मेजर करने के लिए हम अलग अलग मशीनिंग मेथड के एक सैंपल बना लेते हैं और उन्हीं सैंपल के रिस्पेक्ट में हम मेजर करके और रफनेस को चेक करते हैं। हालांकि ये मेथड काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन जो इसके रिजल्ट हैं वो रिलायबल नहीं होते हैं। इसका रिजल्ट रिलायबिलिटी जो है वो ऑब्जर्वर
स्पेसिमेन की क्वालिटी और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कई बार जो शॉप फ्लोर पे अब हमारे फोरमैन हैं, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाली चीज़ों को हैं, वो हमारे जो इंस्पेक्टर है, जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का पर्सन है, उसको वो उसकी डिसीजन को वो चेंज करा देते हैं। तो जब डिसीजन को बाहरी फैक्टर्स के द्वारा बदल दिया जाता है तो उसमें हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये मेथड जो हमारा है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। और हालांकि ये रिलायबल नहीं है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो काफी फास्ट हो जाता है। और एक और चीज है कि इसका जो रिजल्ट है वो कभी कई बार मिसलीडिंग हो जाता है। अगर इसमें जो सरफेस है वो सिमिलर टेक्निक से बनाया नहीं गया हो और जो वेरियस मेथड हैं हमारे उसको हम देखते हैं। जो अलग अलग हमारे मेथड हैं उसकी हम बात करते हैं। ये पहला मेथड था। इसमें इसके जो अंदर आने वाले मेथड्स हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से मेथड आते हैं। ये हमारे मेथड्स देखिए, सबसे पहला मेथड इसमें है हमारा विजुअल इंस्पेक्शन, सेकंड है हमारा टच इंस्पेक्शन, थर्ड हमारा है स्क्रैच इंस्पेक्शन, फोर्थ है माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन, फिफ्थ है सरफेस फोटोग्राफ्स, सरफेस फोटोग्राफ्स, अगला हमारा माइक्रो इंटरफेरोमीटर, माइक्रो इंटरफेरोमीटर, अगला है वायरलेस सरफेस डायनोमीटर, वायरलेस सरफेस डायनोमीटर, और अगला हमारा है रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी। हमारे ये कुल 8 मेथड हैं जो कि हमारे इंस्पेक्शन बाई कंपैरिजन में आते हैं। तो एक एक करके हम इन सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि
इन मेथड्स में क्या क्या पॉइंट हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स मेथड्स पे बात करेंगे। सबसे पहला हमारा है जो सबसे इजी और सबसे आसान तरीका होता है इंस्पेक्शन करने का, वो होता है टच इंस्पेक्शन। तो टच इंस्पेक्शन में एक बार आपको विजुअल इंस्पेक्शन और टच इंस्पेक्शन में कंफ्यूजन हो सकता है कि विजुअल इंस्पेक्शन ज़्यादा आसान है या टच इंस्पेक्शन ज़्यादा आसान है। लेकिन कई बार आपको केवल देखने से अंदाजा नहीं लगेगा कि रफनेस का लेवल क्या है। अगर आप किसी भी सरफेस को टच कर रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे सरफेस को टच कर रहे हैं तो आपको एक ज़्यादा बेहतर अंदाजा लगने का चांस है। वहीं अगर आप केवल और केवल रिलाई कर रहे हैं कि विजुअल इंस्पेक्शन पे, तो विजुअल इंस्पेक्शन उतना फास्ट और एक्यूरेट नहीं होगा जितना टच। हालांकि ये दोनों जो हमारे मेथड हैं ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, ये मेथड जो हमारे वो ऑलवेज सब्जेक्टिव है, मतलब ऑपरेटर की स्किल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो पहले हम टच इंस्पेक्शन की बात करते हैं। दिस मेथड कैन सिंपली असेस व्हिच सरफेस इज मोर रफ, यानी ये जो मेथड हमारा है ये बहुत आसानी से बता सकता है कि हमारा कौन सा सरफेस ज़्यादा खुरदरा है, लेकिन ये डायरेक्टली सरफेस की रफनेस को नहीं बता सकता या किस लेवल की सरफेस रफनेस है इससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इससे बस आप इतना कर सकते हैं कि किस सरफेस की रफनेस जो है वो ज़्यादा है। ठीक, आगे देखेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि जो बहुत बारीक है, बहुत माइन्यूट जो रफनेस में फ्लॉज हैं जो वो आपको डिटेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, में जो हमारे फिंगर की जो स्पीड की होती है वो आपके उसी के हिसाब से, गति के हिसाब से हम इरेगुलरिटीज का पता लगा सकते हैं। और जो हमारी अधिकतम गति हो सकती है वो 25 mm पर सेकेंड हो सकती है, जबकि हम जो इसमें इरेगुलरिटीज का पता लगा सकते हैं वो है 0.0125 mm। ठीक है, इसका एक मॉडिफाइड मेथड जो आया है उसमें एक टेनिस बॉल को रब किया जाता है सरफेस के ऊपर और सरफेस रफनेस को चेक किया जाता है, यानी विद द हेल्प ऑफ ए टेनिस बॉल हम रफनेस को चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा तरीका है, उसको आप बोलते हैं विजुअल इंस्पेक्शन। तो विजुअल इंस्पेक्शन क्या है? इस मेथड में जो हमारा सरफेस इंस्पेक्शन है उसको हम नेकेड आई से देखते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा सरफेस बन रहा है उसको हम नेकेड आई से चेक करते हैं। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यह है कि ये जो मेथड है ये पार्टिकुलरली मिसलीड करता है। वो पार्टिकुलरली हमको कई बार ये मिसलीड कर सकता है, इसलिए इसमें हम तो यहाँ पे अगर आप देखें कि जो हमारा मेथड है विजुअल इंस्पेक्शन में, इसमें क्या है कि ये ऑलवेज आपको मिसलीड कर सकता है, ये आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। और ये पर्टिकुलरली तब होता है जब आपका जो सरफेस है इसको जब इसकी फिनिश जो है काफ़ी अच्छी हो, तो कई बार इसमें दिक्कतें आ जाती हैं। इसीलिए ये जो हमारा विजुअल इंस्पेक्शन है, अगर फिनिश काफ़ी अच्छी है तो इस मेथड को हम बिल्कुल नहीं फॉलो करते। यही मेथड जो केवल है वो रफ सरफेस के लिए केवल अप्लीकेबल है। अगला हमारा जो तरीका है वो है स्क्रैच इंस्पेक्शन। स्क्रैच जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्क्रैच का मतलब होता है खुजली। अगर इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक सॉफ्टर या मुलायम सॉफ्ट मटेरियल लेते हैं जैसे लेड, बैबिट, प्लास्टिक, और इससे उस सरफेस को इंस्पेक्ट करते हैं, इसको स्क्रैच करते हैं। और उसके बाद स्क्रैच करने के बाद जो भी मार्क या आपके सरफेस पे बन रहा है उस मार्किंग को हम लोग चेक करते हैं
उस मार्किंग को हम लोग मार्किंग की सहायता से डिसाइड करते हैं कि कौन सा सर्फेस ज़्यादा रफ है। अगर सर्फेस रफ ज़्यादा है तो उस पर जो मार्किंग बनेगी ज़्यादा बनेगी, स्मूथ सर्फेस पे मार्किंग पतली और हल्की बनेगी। तो ये तो हमारा स्क्रेच इंस्पेक्शन था। अगला हमारा माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन। तो माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन में क्या है, ये जो है सबसे बेस्ट मेथड है इसलिए फॉर एग्जामिनिंग द सरफेस टेक्सचर बाय द कंपैरिजन। इन दिस मेथड ओनली ए स्मॉल सरफेस कैन बी इंस्पेक्टेड एट अ टाइम इंटरवल। ठीक है, सेवरल रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड टू गेट एन एवरेज वैल्यू। सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज विद दैट वी कैनॉट इंस्पेक्ट द होल एरिया इन अ सिंगल गो, यानी हम एक ही बार में पूरा सरफेस इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये इस मेथड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको एक एवरेज डेटा मिल सकता है, आपको बार बार वो एरिया का स्टेशन करना है, माइक्रोस्कोप लेना है, सेलेक्ट करना है, उसको चूज करना है, उस एरिया के रफनेस की वैल्यू निकालनी है। इस मेथड में एक मास्टर फिनिश सरफेस को माइक्रोस्कोप के से चेक किया जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है जिस सरफेस को आपने इंस्पेक्ट करना है। यानी हमारे पास पहले से एक डिफाइंड सरफेस होता है, एक मास्टर सरफेस होता है जिसको आप एज अ गेज यूज करते हो, उसको आप एज अ गेज यूज कर रहे हो और उसकी सहायता से आप चेक करते हो कि क्या क्या वैल्यूज जो है आ रही हैं उस सरफेस के रिस्पेक्ट में। जो हमारा सरफेस अंडर कंसिडरेशन है उसकी क्या स्थिति है, वो क्या उससे स्मूथ है या उससे रफ है, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। इसके साथ साथ एक स्ट्रेट एज को प्लेस किया जाता है, जो हमारा सरफेस का स्ट्रेट एज है उसको प्लेस करते हैं इंस्पेक्शन के लिए, और एक बीम ऑफ लाइट प्रोजेक्ट किया जाता है जो कि 60 डिग्री इंक्लाइन होता है वर्कपीस से या जॉब से जिसको आप चेक करना चाह रहे हो। यानी जो हमारा जिस सरफेस को हमें इंस्पेक्ट करना है उसके एज पे एक लाइट बीम प्रोजेक्ट की जाती है, जो कि लाइट बीम जो एंगल बनाती है वो 60 डिग्री एंगल पे होती है और उसके शैडो को कास्ट किया जाता है सरफेस पे। अब क्या होता है कि जो स्क्रेचेस हैं वो मैग्नीफाई हो जाते हैं और सरफेस इररेगुलरिटीज जो हैं आसानी से स्टडी की जाती हैं। यानी जो हमारा लाइट बीम इंटेंसिटी है जो 60 डिग्री पे आ रही है उसकी सहायता से कहीं ना कहीं हम जो सरफेस पे स्क्रेचेस बने हुए हैं, जो इररेगुलरिटीज हैं, उनको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा था माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन। अगला जो हमारा है सरफेस फोटोग्राफ्स, ये हमारा पांचवा मेथड है सरफेस फोटोग्राफ। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इन दिस मेथड मैग्नीफाइड फोटोग्राफ ऑफ द सरफेस आर टेकन विद डिफरेंट टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन टू रिवील द इररेगुलरिटीज। यानी इस मेथड में हम अलग अलग फोटोग्राफ्स लेते हैं चेक करने के लिए, जैसे कि हम उसको इररेगुलरिटीज का पता लगा सकें। मतलब विभिन्न तस्वीरों की सहायता से, फोटोग्राफ की सहायता से हम इररेगुलरिटीज का पता लगाने की कोशिश करते हैं। अगला हमारा क्या है, माइक्रो इंटरफेरोमीटर। तो माइक्रो इंटरफेरोमीटर एक अलग मेथड है, इसमें देखिए एक ऑप्टिकल फ्लैट को प्लेस किया जाता है सरफेस पर इंस्पेक्शन के लिए और उसको एलिमिनेट किया जाता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। यानी एक ऑप्टिकल फ्लैट को सरफेस पर रख के उसको प्रदीप्त करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट से, इंटरफेरेंस बैंड होता है उसकी स्टडी की जाती है एक माइक्रोस्कोप की जरिए। एक माइक्रोस्कोप की सहायता से इंटरफेरेंस बैंड की स्टडी की जाती है और जो उस पर स्क्रेचेस हैं, सरफेस पे स्क्रेचेस बनते हैं जिसपे इंटरफेरेंस लाइंस हैं,
उनको एक्सटेंड किया जाता है फ्रॉम द डार्क बैंड इनटू द ब्राइट बैंड, यानी डार्क बैंड और ब्राइट बैंड के बीच में उनको बांट दिया जाता है। डेप्थ ऑफ द डिफेक्ट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द इंटरफेरेंस बैंड। जो डिफेक्ट डेप्थ ऑफ द डिफेक्ट है उसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द इंटरफेरेंस बैंड। अगला हमारा है वायरलेस सरफेस डायनामोमीटर। तो वायरलेस सरफेस डायनामोमीटर हमारा सेकंड लास्ट मेथड है। तो ये क्या है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन मीटर, यह एक फ्रिक्शन मीटर की तरह कार्य करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेंडुलम इन विच द टेस्ट शूज आर डैम्प्ड टू ए बेयरिंग सरफेस एंड ए प्री डिटरमाइन स्प्रिंग प्रेशर कैन बी अप्लाइड। द पेंडुलम इज लिफ्टेड टू इट्स इनिशियल स्टार्टिंग पोजिशन, यानी पेंडुलम को इसके आरंभिक या प्रारंभिक शुरुआती बिंदु तक ले जाया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है स्विंग करने के लिए या घूमने के लिए उस सरफेस पे जिसमें कि आपको टेस्ट करना है। अगर हमारा सरफेस स्मूथ हुआ तो इसमें कम फ्रिक्शन लगेगा और पेंडुलम जो है ज़्यादा दूरी तक स्विंग करेगा और ज़्यादा लंबे समय तक स्विंग करता रहेगा। तो इसमें हम जो टाइम है, जो स्विंग करने का टाइम है उसका, वो डायरेक्टली मेजर करता है कि सरफेस टेक्सचर कैसा है। यानी हम क्या कर रहे हैं कि हम एक पेंडुलम ले रहे हैं, इस तरीके से देखिएगा, हमारा सरफेस है, एक सरफेस है, इसके ऊपर आपने एक पेंडुलम लिया और इसको स्टार्टिंग पॉइंट से लाके रिलीज कर दिया। अब ये इस पर रब करता हुआ जाएगा, रब करता हुआ रगड़ता हुआ चलेगा। तो हमें ये देखना है स्पेशली कि किस किस पॉइंट पे रबिंग हो रही है, और अगर रबिंग जो है काफी देर तक या इसमें अगर सरफेस हमारा स्मूथ रहेगा तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि जो रबिंग है, जब सरफेस स्मूथ है तो रबिंग कम होगी, यानी जो पेंडुलम है वो काफी देर तक स्विंग करता रहेगा। और जितनी ज्यादा देर तक आपका पेंडुलम स्विंग करेगा सरफेस हमारा उतना स्मूथ होगा। तो एक बार हम मास्टर गेज की सहायता से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपका पेंडुलम चल रहा है ऐसे ऐसे वो चलेगा सिंपल। तो एक बार हम मास्टर गेज लेंगे, मास्टर गेज की सहायता से चेक करेंगे। तो मास्टर गेज की जो टाइमिंग आ रही है उसको नोट डाउन करेंगे। दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा जिस हमें सरफेस को टेस्ट करना है उस सरफेस से हम फिर से यही मेथड रिपीट करेंगे और उस टाइमिंग को नोट करेंगे। अगर हमारी जो टाइमिंग है जो कि मास्टर गेज के साथ आ रही है और जो हमारी टाइमिंग सरफेस गेज की है, जो हमारा एक्सपेक्टेड जो हमारा सरफेस है उसकी जो टाइमिंग, अगर सरफेस गेज की टाइमिंग ज़्यादा आ रही है, यानी जो हमारा टेस्टेड सरफेस है वो हमारा ज़्यादा रफ है, कि अगर रफ रहेगा तभी क्या होगा कि आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और वो जो स्विंग टाइम है आपका वो रिड्यूस हो जाएगा। जबकि अगर आपका सरफेस जो कि टेस्ट करना है वो स्मूथ हुआ तो वो आसानी से उसका फ्रिक्शन और कम हो जाएगा, और जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस जो ऑफर किया जा रहा है क्योंकि पेंडुलम और उसके बीच में लग रहा है वो और कम हो जाएगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो जो आपका स्विंग टाइम है
स्विंग टाइम काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। और स्विंग टाइम बढ़ने की वजह से जैसे ही आपका स्विंग टाइम बढ़ेगा, आप क्लियरली कह सकते हो जो सरफेस अंडर टेस्ट है वो ज़्यादा स्मूथ है हमारे मास्टर से। लेकिन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि ये सरफेस जो हमारा है, ये जो मेथड हमारा है, ये सरफेस के बारे में डायरेक्टली कहीं ना कहीं आर ए वैल्यू या रफनेस की वैल्यू नहीं देता है। ये बस कंपेयर करके आपको बता देगा कि ये सरफेस दूसरे सरफेस से या मास्टर सरफेस जो हमारा है, वेज सरफेस, दोनों की रफनेस में क्या रिलेशन है, कौन सा सरफेस ज़्यादा रफ है और कौन सा सरफेस बेसिकली रफ नहीं है। तो एग्जैक्टली यही डेटा आपको मिल सकता है और इसके सिवाय आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मिल पाएंगे मेथड में। अब हमारा अगला जो मेथड है रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी मेथड। तो रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी मेथड जो है, इस मेथड में एक बीम ऑफ लाइट ऑफ अननोन क्वांटिटी, यानी एक लाइट बीम जिसकी क्वांटिटी सॉरी अननोन नहीं नोन क्वांटिटी की लाइट बीम को प्रोजेक्ट किया जाता है सरफेस पे, यानी सरफेस के ऊपर एक अननोन क्वांटिटी की बीम को प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है अलग अलग दिशाओं में एज बीम ऑफ लेसर इंटेंसिटी, ठीक है। जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। और फिर क्या है कि द चेंज इन द लाइट इंटेंसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन मेजर्ड बाय ए फोटोसेल, यानी किस डायरेक्शन में कितनी इंटेंसिटी आ रही है उसको एक फोटोसेल की सहायता से हम मेजर करते हैं। द मेजर्ड इंटेंसिटी चेंज आर ऑलरेडी कैलिब्रेटेड बाय मीन ऑफ रीडिंग्स टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ नोन रफनेस बाय सम अदर सुटेबल मेथड, यानी जो हमारा मास्टर गेज है, जिस मेथड का हमने पहले से गेज बना रखा है, उसके केस में भी हम जो हमारी इंटेंसिटी आ रही है उसको किसी और मेथड की सहायता से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको नोट डाउन किए रहते हैं और इन दोनों मेथड्स को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, जिसकी सहायता से हमें जो है अपना रफनेस का जो रिजल्ट है वो मिल जाता है। तो हमारा ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी मेथड है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमें एक लाइट सोर्स जिसकी इंटेंसिटी नोन हो उसको लेना पड़ता है और उसकी सहायता से हम जो है इस सरफेस को कंपेयर करते हैं, अलग अलग मेथड्स में कंपेरिजन करते हैं, जिससे कि हम जान पाएँ कि इसमें से स्मूथ सरफेस कौन सा है और रफ सरफेस क्या है। फिर से एक बार हम यहाँ जान सकते हैं कि ये मेथड हमें डायरेक्टली रफनेस की वैल्यू को प्रोवाइड नहीं करता है, यानी इस मेथड में हमें डायरेक्टली रफनेस की वैल्यू नहीं मिलती है, इसमें भी हमें एक ओवरऑल अप्रॉक्स वैल्यू प्राप्त होती है जो कि केवल कंपेरिजन बेसिस पे होती है। तो ये हमारा कुछ मेथड था जो कि हमारे डायरेक्ट कंपेरिजन मेथड थे हमारे, जिसमें से विजुअल इंस्पेक्शन, टच इंस्पेक्शन, स्क्रेच इंस्पेक्शन, माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन, सरफेस फोटोग्राफ्स, माइक्रो इंटरफेरोमीटर, वायरलेस सरफेस डायनामोमीटर और रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी, इतने कुछ हमारे मेथड डायरेक्ट कंपेरिजन के थे जो हमारी अलग अलग रफनेसेस को कंपेयर करके हमें बहुत आसानी के साथ, यानी ये मेथड्स का सबसे बड़ा सारा इनका एडवांटेज अगर हम कहें, एडवांटेज ये है कि इनमें से कई सारे मेथड तो बहुत ही फास्ट हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो डिसएडवांटेज ये है इनकी एक्यूरेसी जो है वो हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। और आप सिंपली ये कह सकते हैं कि तो ये हमारे कुछ मेथड्स थे जिनमें हमने कंपेरिजन किया और उसको पढ़ा। आगे हम के वीडियोस में हम देखेंगे कि हमारा जो आगे के मेथड्स हैं उनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे
हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मेथड को भी पढ़ेंगे। इसमें से एक मेथड है जिसमें हमारे स्टाइलस प्रोब है और ये सारे कई सारे एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ऑटो कोलिमीटर है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे और उस पर वर्कल भी लगाएंगे। ठीक है, अभी के लिए क्वेश्चन का यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।